सब सुख गाथा या सब्बे सत्ता, बी ऑल हैप्पी स्टोरी या बी ऑल हैप्पी पद या गाथा या वर्सेस। जब भी कोई अच्छे लोगों की सभा कहीं होती है पूरी दुनिया में, तो सभा के अंत में सब लोग सभी लोगों की मंगल कामना, सभी लोगों के स्वास्थ्य की अच्छी कामना और पूरे प्राणियों की और पूरी दुनिया के जितने प्राणी हैं उनके सबके सुख की कामना के साथ, मंगल कामना के साथ में उठते हैं। इसका असर पड़ता है, इसलिए जो परंपरा भगवान बुद्ध के अनुयायी या जानकार जो हैं, वो जितनी भी सभा जब होती है तो शुरू में वो त्रिशरण और पंचशील करते हैं, तीसरण और पंचशील, और बाद में सभ्य सत्ता करते हैं, सब सुख गाथा करते हैं, बी ऑल हैप्पी जो सॉन्ग है उसको गाते हैं। ये मन से गाया जाता है। अगर आपके मन में अच्छाई नहीं है, आपका मन शांत नहीं है, अशांत है या बीमार है, तो फिर आप इसको ना गाइए, क्योंकि अगर आप इसको बोलेंगे तो बात मन से नहीं आएगी तो सामने असर भी नहीं करेगी। अगर सबके सुख की मंगल कामना करनी है तो सबका सुख आपका मंगल में भी, मन के अंदर भी होना चाहिए, खाली वचन में ही नहीं होना चाहिए। क्या है ये? सब्बे सत्ता सुखी हुंतु। सब्बे माने सब, सत्ता माने होता है प्राणी एग्जिस्टेंस, यानी सब्बे सत्ता सुखी हुंतु। हुंतु माने हो और सुखी माने सुख, यानी सब सारे प्राणी सुखी हों। सब्बे हुंतु चे खेमिनो, सब्बे हुंतु चे खेमिनो, सब्बे हुंतु चे खेमिनो। चे का मतलब और है, सब्बे हुंतु यानी सब हों, चे माने और, खेमिनो जो का मतलब है खेम से बना है, खेम का मतलब है शांत हों, और खेमिन माने होता है सुखपूर्वक रहना, और खेमिनो माने सुखपूर्वक रहने वाले, यानी सभी सुखपूर्वक रहें, सब हो जाएं सुखपूर्वक रहें। सब्बे भद्रानि पश्यन्तु, ये जो भद्रानि शब्द है कई जगह इसको भद्राणी लिया गया है, दरअसल पाली में आधा रह तो होता नहीं, इसलिए ये संस्कृत शब्द है, तो आधा रह का इस्तेमाल ना करें, भद्द से बनाएं भद्रानि। सब्बे भद्रानि पश्यन्तु, सब्बे भद्रानि का मतलब है सब हों, भद्रानि माने, भद्द माने होता है कल्याण लाभकारी, यानी सभी लाभकारी और कल्याणी हों, और पश्यन्तु माने हों दिखाई दें, पश्य माने देखना होता है, यानी सब देखें, देखने लायक हों, देखा जाए सबको कि सारे लाभकारी हों, सभी सुखी हों, कल्याणी हों। माँ कंची दुख माँ गमा, माँ कंची, माँ कंची का मतलब है, माँ माने होता है मत, यानी डू नॉट, माँ माने होता है नहीं या मत, तो नहीं हो क्या, कंची का मतलब यहाँ पे कंग ची का मतलब है किसी को भी कोई, किसी को भी कोई का मतलब है कंची। दुख माँ गमा, दुख ना हो, माँ गमा का मतलब है दुख नहीं हो आगमन, यानी किसी को भी दुख का आगमन ना हो, किसी को भी कोई दुख ना हो। तो इसको हम पढ़ेंगे इस तरह से, सब्बे सत्ता सुखी होंतु, सब्बे होंतु चे खेमिनो, सब्बे भद्रानि पश्यन्तु, माँ तंची दुख माँ गमा। तीन बार इसको पढ़ेंगे, एक बार मन से, एक बार वचन से और एक बार कर्म से, फिर बाद में साधु 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 कह के उठेंगे। तीन बार साधु साधु का मतलब है ऐसा ही हो, बहुत बढ़िया, ऐसा ही हो, बहुत बढ़िया, ऐसा ही हो, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं, और आपको लगता है कि धर्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं, इसके लिए इजाजत लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है, हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Charming
better.